उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति लोगों को गंदी गंदी गालियां देते हुए मारपीट करता हुआ दिख रहा है और यह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाकर लोगों पर धौंस भी जमाता दिख रहा है। दरअसल ये वीडियो एक चलती हुई बस में बनाकर किसी जागरूक यात्री द्वारा वायरल किया गया है। दूसरे वीडियो में उस बस को भी दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक व्यक्ति दबंगता दिखाकर बस कंडक्टर और दूसरे यात्रियों के साथ मारपीट करता हुआ चिल्लाता हुआ कहता दिख रहा है कि तुम्हें आज जेल में बंद करूंगा। एक वीडियो में बस का कंडक्टर पूरी घटना बताते हुए कह रहा है कि हंगामा करने वाला व्यक्ति खुद को DM या SDM से जुड़ा हुआ बताकर ठाकुर द्वारा से बस में चढ़ा और बिना टिकट ही यात्रा करने की जिद करता आ रहा था। और बस जब तक मुरादाबाद पहुंची, इसने कई यात्रियों के साथ मारपीट की। इसने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। मुरादाबाद बस स्टैंड पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा करने वाले आरोपी को घेर लिया और उसे चिपट गए। और कुछ लोगों ने उसकी सच्चाई पता करने के लिए अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उसका नाम पता सब पूछ लिया। हालांकि आरोपी ने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये ज़रूर बताया कि वह मुरादाबाद ADG प्रथम के यहाँ बाबू है और अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसने महिलाओं के साथ कोई अभद्रता नहीं की है। आरोपी व्यक्ति लोगों से अभद्रता करने के बाद भी आराम से निकल गया। दरअसल यह बस उत्तराखंड की काशीपुर से मुरादाबाद एक्सप्रेस प्राइवेट बस थी, जिसमें यह वीडियो बनाया गया और फिर इसे वायरल किया। नहीं हो कहाँ से आते हो आप? ठाकुर द्वारा से आता हूँ। अच्छा, लोगों के साथ आए, आपने मारपीट करी है, महिलाओं के साथ व्यवहार कराया, किसी के साथ नहीं करवाई है? ये लोग कितने लोगों के साथ मारपीट करी है इसने? दो तीन लोगों के साथ धक्का मुक्की करी और भी दो तीन। अच्छा, तो ये दबंग गिरी गिरी दिखा रहा योगी सर कानून मानते हैं, बदमाशी अब भी चल रही है। अच्छा, क्या भैया कहाँ से आते हो आप? भैया मैंने कुछ नहीं करा, प्लीज बड़े भैया मान जाओ। नहीं नहीं, आप कहाँ से आते हो? ठाकुर द्वारा से आते हो? कहाँ के रहने वाला ठाकुर द्वारा में? ठाकुर द्वारा नगले रोड पे रहने वाला। नगले रोड पे? अच्छा ठीक है। दरअसल बात क्या हुई थी? सही बात बताओ। सही बता रहा हूँ आपको। हाँ बताओ। मेरा पता भी इसका है। हाँ, ये मुझे खाली। अच्छा, किराया दे दिया। अच्छा, ये मुझे खाली दे लगा जब झगड़ा हुआ, और कोई बात नहीं। ना झगड़े में तुमने महिलाओं के साथ भी मारपीट करी? ना महिला कोई नहीं। नहीं, महिलाओं के साथ मारपीट करी? महिला कोई थी नहीं बस में। अच्छा, तो क्या बात हुई थी? इससे झगड़ा हुआ? किससे झगड़ा हुआ, क्या बात हुई थी? पता नहीं कौन था, कंडक्टर दूसरा था। अच्छा ठीक ठीक है। मेरा नाम मियां जान है। गाड़ी काशीपुर से चली सुपर फास्ट में जी, ठाकुर द्वारे में आ गई। ठाकुर द्वारे से बैठे थे वो। मैंने टिकट मांगा तो मैं स्टाफ बोला। अच्छा, तो उसमें जो हमारे मालिक साहब भी थे गाड़ी के अंदर जी, तो मालिक साहब बोले इनका स्टाफ नहीं, टिकट काटना है। ठीक है, तो जैसे बोला भाई चल तुझे मैं बहुत दिनों दे रहा हूँ, तू जो है फिटना चाह रहा। हाँ छोटे, उसने बाद में 50 रुपये दे दिए। उसके बाद ही वो चुप नहीं बैठा गाड़ी में, टिकट कटवाने के बाद बोले तू बहुत बोलता है, फिटना चाह रहा तू, मैं देखूंगा। वो ये थी फोन वोन लगा लगा, और भी अधिकारी लोग बैठे थे, बोले भाई तुम्हारा स्टाफ है तो यूनियन से लिखवा कर लाओ। जब इतने लोग चले पता, ये कुछ दिखाओ अपना प्रूफ। ठाकुर द्वारा से बैठे थे मोहम्मद अनीस। बस के अंदर ऐसा था कि ये पता नहीं आधार कार्ड दिखा रहे थे, क्या दिखा रहे थे, बोले स्टाफ है। मैंने कहा का तो आधार कार्ड दिखा रहे, मैंने कि ये कुछ नहीं, या तो यूनियन का लिखा हुआ कार्ड हो कोई, तब दिखाई। बोले तू जानता नहीं है मैं DM का वहाँ हूँ और SDM के वहाँ हूँ, और मैं तुझे अभी 2 मिनट में गिरफ्तार करा दूँ, ये इस तरीके की धमकी दे रहे थे। फिर वो भाई साहब बैठे हुए थे और पैसेंजर भी थे, बोले किराया दे दो, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। बोले आप खामोश बैठे हो भाई, हाँ बदतमीजी। वो किसी को देख थोड़ी रहे थे, बोले वो परे ऊपर भी उसमें वो लग गया, उनके भी चोट लग गई, वो बता रहे थे। बोले भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे ऊपर मुझे धकेला उनके ऊपर।